अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान। मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ESD एंटरटेनमेंट पर। जैसे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, आज मैं आया हूँ आरके गोट फार्म पर। आरके भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत है ना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों की दुआ। अरे नहीं भाई, ऐसा था ना कि आपने मेरे को मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो फ्रेंड, इसके लिए मौका तो हर किसी को देते हैं हम लोग, हर यूट्यूबर्स मेरे यहाँ पर वेलकम है। मेरा किसी के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कोई फला फला यूट्यूबर आके बनाए। जिसको आने का है वो आके मेरे फार्म की वीडियोस बना सकता है। देखो, रिज देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो आप लोग सब जरिया हो। आप लोग आते हैं, शूट करते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे को भी कस्टमर मिल जाते हैं उसके ज़रिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप आए मेरे यहाँ पर शूट करने के लिए, मेरे को इस काबिल समझे, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका। नहीं भाई, बहुत फार्म थे अपन मेरे चैनल पर आर के भाई, पहली बार ये गोट फील्ड का वीडियो आ रहा है, जैसे मैं आपको बताया। देखो फ्रेंड्स, मैं अभी आकर कम से कम एक घंटा हो गया यहाँ बैठ के, मैं भाई को देख रहा था। भाई जैसे वीडियो में है ना, भाई हकीकत में बोलना चाहूंगा अल्लाह आपको जजाए खैर दे, वैसे ही है भाई। आए हैं ना, मेरे को मालूम है वीडियो बनाने आए, इसीलिए मैं आपके साथ में बहुत नरमी से बात कर रहा हूं। नहीं 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 भाई, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। लेकिन एक होता है ना, इंसान की परख होती है ना भाई, वो चीज़ हमने देखे कि भाई जो आप जो वीडियो में आप बोलते हैं ना, वैसे ही है भाई हकीकत में। अल्लाह आपको हमेशा वैसे ही रखे भाई, हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रखे। हाँ, वही वही बोलने का मतलब वही है, जमीन में ही जाना है। सही बात है भाई, इसी में। कार के आपका आज फार्म का अपन थोड़ा टूर कर लेते हैं ना आपके साथ में, और थोड़ी अपनी मतलब मेरी ऑडियंस तो नवी है भाई। अभी तो मैं मच्छी वगैरह के जैसे आपको बताया वीडियो बनाता था, फर्स्ट टाइम अपन गोट फील्ड में आके शूट कर रहे जी। तो नए व्यूवर्स है समझ लो मेरे चैनल के लिए, आपको तो जानते रह गए। आप तारुफ का मतलब आपकी जरूरत नहीं है, माशाल्लाह जरूरी नहीं है, आपके फार्म को भी तारुफ की जरूरत नहीं है भाई। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई जानता रहेगा। इमरान भाई देखो, आपके जरिए पे मुझे कुछ नए लोग मिलेंगे। हाँ। तो एक दूसरे का एक कांटेक्ट होता है, एक दूसरे का जरिया होता है, तो बहुत सारे लोग नए भी जानते रहेंगे, तो वो भी आके मुलाकात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो भाई फिर देखिए आपका फार्म अंदर से इंशाल्लाह आ जाइए। हाँ तो आरके भाई, अपना ये फार्म कभी से है भाई यहाँ पर? खाली अपने व्यूअर्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से है। चार साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अपना फार्म ये किधर लोकेटेड है भाई? अपन पटगा गांव में, आगे तुलसी विलेज करके तुलसी गांव है। अच्छा, आप टोल के बाद में आप लेफ्ट मारोगे। हाँ। थोड़ा आगे तो बोरली गांव आता है, बोरली गांव के बाद में एक राहुर गांव आता है, वहाँ से सीधा आएंगे तो तुलसी गांव मेन रोड पे ही है, जो अम्बाड़ी रास्ता जाता है उस पे ही मेन रोड पे हमारा फार्म। अच्छा, तो भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये कुआ भी है, तो ये कुएं की क्या है मतलब भाई, यूज होता है कि मतलब कैसा? ये स्टार्टिंग में बहुत यूज़ में आया मेरे, जब अच्छा। मैंने हम लोगों ने जगह खरीदे थे तो हमारे यहाँ पर पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ये जगह पे। अच्छा, तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी आने तक कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, तो कुएं का पानी बहुत काम में आया, जो स्टाफ रूम बना, वॉशरूम बना। अच्छा, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर फार्म ऐसे ऐसे करके डेवलप हुआ। अच्छा, कुआ ज़रूरी है यहाँ पर, ये गार्बेज एरिया है। हाँ। जिधर बकरों की नेंडी फेंकी जाती है। अच्छा, पूरा उठा के उनको इतना दूरी पे ही रखना ज़रूरी हो जाता है, ताकि कि वो जितना करीब आप रखोगे। हाँ। उतना बीमारी वगैरह ने, बीमारी ने जू आने के चांस। अच्छा, जू। तो अच्छा, इसमें एक्चुअली ये लोग आते हैं फिर लेके भी चले जाते हैं, खाद के लिए इस्तेमाल होती है, फर्टिलाइजर के तौर पे ऑलमोस्ट कीड़े वीड़े फटाक से लग जाते हैं। अच्छा। तो इसीलिए इनको करीब में नहीं रखा जा सकता है बकरों के, थोड़ा दूर रखा जाए, इसीलिए हम लोगों ने एंट्रेंस पे रखे। अच्छा। एंट्रेंस पे रख के फिर वहाँ पर से बहुत हाँ। दूरियाँ बनी हुई रहती है, और हर 15 दिन में फार्म तो सैनिटाइज होता ही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ मैं बोल रहा था भाई, अभी इससे नए बकरे जो आते हैं ना जी, तो माशाल्लाह इन लोग का मैं देख रहा हूँ, आपके यहाँ क्वारंटाइन सेटअप भी है माशाल्लाह, सारी चीज़ है। तो ये वाला बाड़ा कैसा मतलब, ये तो फर्स्ट बाड़ा है अभी? ये एक्चुअली जो बकरे को फोबिया है, केजेस का फोबिया है, मेरे पास आके अभी बकरों को हो गया है क्या, 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन केज में रह नहीं पाते हैं, केज में डालो तो खाते नहीं है, थोड़ी दिक्कत बताते हैं, तो उनको सेट करने के लिए ये जगह पे लेके आए, ये प्लेइंग एरिया एक्चुअली, क्वारंटाइन रूम वो अलग से है सेपरेट में। अच्छा। तो बकरे आते हैं तो स्टार्टिंग के 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, जिधर मैं बैठा हुआ रहूँगा, उसके बाद में खुटे बंधे हुए 15 दिन ऑब्जर्वेशन में होते हैं। आपने स्टार्टिंग में आए तो कुछ बकरे थे यहाँ? हाँ, स्टार्टिंग में देखा था, झाड़ के नीचे अभी बांधा गया है, तो रिसेंटली आए हुए, तो 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। अच्छा। उनको हमारे फीट के ऊपर लाने के लिए उतना वक्त लगता है, वो वक्त लगने के लिए देखना पड़ता है कि उसका हाव भाव क्या है, 5 दिन तक हरी पत्ती पे रखना पड़ता है, मतलब एक टाइप का उसको मॉनिटरी कर रहे हो। हाँ, 15 दिन ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है, तभी तो बकरा सेट होएगा आएगा। कुछ बकरे आने के साथ में बीमारी में होते हैं, कुछ बकरे आए नहीं दूसरे तीसरे दिन बहुत बड़ी बीमारी शो करते थे, ट्रीटमेंट करते हैं, रिकवर भी होते हैं, कुछ मॉर्टेलिटी भी जाए, देखो पार्ट ऑफ बिजनेस है ये,
लिविंग एंड डेथ अपने हाथ में नहीं, ठीक, वजन बढ़ाना अपने हाथ में नहीं है, सब अल्लाह के हाथ में है। तो हम लोग मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला शिफा देते हैं उसके अंदर, और जानवर ठीक ठाक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अपने जो अभी नवी जनरेशन जो आ रही है ना, तो आप देखते हैं ना कि भाई हर आदमी हर चीज़ का शौक कर रहा है माशाल्लाह अपनी, तो ये चीज़ का शौक आप कैसा बोलते हैं कि भाई अपने आने वाली नस्ल के बारे में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई ये चीज़ बहुत मतलब सुन्नत के एतबार से भी है और माशाल्लाह इसके अंदर फ़ायदा भी दिखता है अगर आदमी दिल लगा के मेहनत करे तो। देखो फ़ायदा दिखेगा, आप आपके बच्चे को अगर एक बकरा दिला दे और अगर आपके घर के पास जगह है उसको पालने दे दो, तो मेरे हिसाब से क्या वो गलत शौक हो रहा है ना, एक नशे वाला शौक, हाँ। उससे बच्चा दूर है। सही बात, बाद में इसके अंदर ये मुब्तला रहेगा, दिन भर में उसको खिलाने पिलाने में उसका शौक जगाएंगे तो इंशाल्लाह जनरेशन का बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ तो भाई सही बोले आपने कि अपनी नई जनरेशन अगर इस चीज़ का शौक करे तो भाई बहुत अच्छी बात है ना। जरूरी है कि ये चीज़ पाले, आपके पास जगह है, आपके बच्चे को अगर आप, मेरा देखो मेरा इतना बड़ा फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बड़ा नहीं है, एरिया वाइज बड़ा है, हाँ। इतने नामचीन भी नहीं, नहीं है वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद मेरे घर पे एक बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो मेरा बेटा है जो अभी 11th में है और साइंस का ये किया हुआ, लेकिन मैंने उसको उसमें बिजी रखा हुआ है कि वो पढ़ाई करके आए वो बकरे का देखे, तो वो दूसरे गले, हाँ क्रिकेट खेलने के लिए वक्त मिलता है, सब कुछ वक्त मिलता है, लेकिन इन द एंड रात में वो बकरे का खिलाना, मतलब उसका एक्स्ट्रा टाइम है वो भाई बकरे पे, बकरे के पीछे, और बकरा भी उसके साथ में, वो बकरे के साथ में इतना अटैच है कि वो बकरा उसके बिगड़ने रहता, वो उसके बिगड़ने रहता, तो वो ऐसा है कि गलत शौक से बच रहे। मतलब आप बोल रहे हैं माँ बाप को अगर शौक कराना तो भाई बच्चों को इस चीज़ का शौक, बकरों का शौक करा तो बाकी और चीजों से बच जाएगी बच्चे। देखो बाइक्स और गाड़ी एक अलग चीज होती है, वो बेटा या बच्चा खुद बड़ा होके अपनी कमाई पे लेना तो बेहतर है, हाँ वो तो अलग चीज़। अभी आजकल का माहौल ऐसा है कि बाइक लेके दे रहे, बच्चा घूम रहा है, माँ बाप को कुछ पता नहीं है, वो राइडिंग कर रहा है, किस तरीके से चला रहा है, किस तरीके से नहीं, माँ बाप को नहीं। जैसे मैं रोड पे हम लोग जब गाड़ी चलाते हम लोग देखते रफ एंड टफ, हम लोगों ने भी हमारे वक्त में चलाया, सही बात, वो टाइम पे इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, तभी क्या थी गाड़ियाँ, बस मारुति की 800 लॉन्च हुई थी, वो चल रही थी, पाल चल रही थी, ऐसी कुछ गाड़ियां थी और रिक्शा थी, तो बहुत सारे गया। लेकिन अभी गाड़ियां इतनी सारी बढ़ गई है कि आप उस तरीके की राइडिंग करने रिस्की है, बहुत रिस्की। अभी हमारे यहाँ पर एक गेस्ट आए हुए जिनका बकरा है, उन्होंने बोले लास्ट टाइम पे आके गए जाते टाइम पे उनका एक्सीडेंट हुआ, आपके सामने, मेरे सामने बात हुई भाई। तो वो हमको भी डर लगा हुआ रहता है कि कोई बाइक से आता है तो वो भी किसी की औलाद है, किसी के साथ में कुछ ना हो, तो बाइक्स और गाड़ी दिलाने से अच्छा बाइक्स और गाड़ी बेटा आपका बच्चा खुद अपने कमाई पे ले तो बेहतर है, बकरा आप आपके कमाई पे ले, आप शौक करा सकते हैं अपने औलाद को अच्छी चीज का, अच्छी चीज का, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखो उसका बहुत फायदा होगा। घर पे करो, मैं देखो मैं मेरी दुकान चलाने के लिए नहीं बोल, नहीं नहीं वो तो सवाल वैसा था भी नहीं भाई के फार्म पे, सोशल मैसेज है, हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह के लोग अपने बच्चों को घर में, अगर घर में एक जानवर पाले लाके नहीं है तो कोई आपके करीबी में भी कोई फार्म वाला है तो वहाँ पर भी रखे और बेटे को वहाँ पर जाने, वो जो आप बोले ना कि आपने अपने बेटे को उसमें इन्वॉल्व किए वो उससे मैसेज चला गया भाई, मैं भी यही चाह रहा था कि आने वाली जनरेशन को हर माँ बाप है ना ऐसी चीज में लगाए जहाँ पर उनको उनके जहन खुले, मुझे लगता है इसके अंदर बहुत चीजें सीखने मिलती है, ऑटोमेटिकली ब्रेन भी डेवलप होता है, सबर आता है, हाँ सबर भाई। एग्रेशन देखो हमारा खून गर्म है, हमारे बच्चों का भी खून गर्म होगा, तो वो हिसाब से एग्रेशन मतलब सबर हर जगह पे गर्म खून नहीं चलता और आज के माहौल में नहीं चलता, तो सबर बहुत अच्छे तरीके से सबर आएगा, तो सबर आएगा तो वो आपका भी एहतराम करेगा। आजकल की जनरेशन ऐसा है कि आप कुछ गेम्स नहीं खेलने दो तो बहुत सारी न्यूज आते हैं, वो माँ बाप के ऊपर नाराज हो जाते, कुछ बच्चे घर छोड़ के चले जाते, तो वो चीज नहीं होगी, सही बात है। गेम्स गलत गलत गेम्स के अलावा या जो दूसरे गंदे नशा के अलावा आप ये देखोगे वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा, मोबाइल पे हाथ लगाएगा भी तो वो सब बनाएगा अपने बकरे के साथ में, साथ वीडियो, में बनाएगा। बनाएगा। जैसी वीडियो बना रहा है बकरे के साथ में बनाने दो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, हो सकता है कि आज गाना डाल रहा है, अगले टाइम पे कुरान की हिदायत डाल दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई अभी आपका फार्म भी देख लेगा, देखो फार्म देखने से पहले ये मैं बताऊंगा इमरान भाई, अच्छे बकरे भी दिखेंगे खराब भी दिखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर दिखे है वो अभी आए हुए हैं और जो अच्छे दिखेंगे, तो ये नहीं समझना जो आपके व्यूअर्स है कि सब बकरे अच्छे होते हैं, नहीं नहीं वो नहीं। तो भाई
देखो वो अल्लाह के हाथ में, हमारी कोई औकात नहीं, हमारा सिर्फ ये है कि हम मेहनत कर सकते हैं, हम उनका हक अदा कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, और सच बोल के काम कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बता देता हूँ कि आरके भाई मेरे को बोल दी कि भाई फुल ट्रांसपेरेंसी में वीडियो बनाओ, कुछ भी चीज छुपाओ मत, जो है वो शूट करो। यहाँ पर पूरी चीज की शूट है फ्रेंड, कुछ भी मैं रुक रहा नहीं हूँ, मतलब कहीं कि भाई यहाँ पर मुझे कोई चीज की रोक टोक नहीं है। तो वही बात से मैं आरके भाई आपसे शुरू करते हैं ना भाई, कहाँ से क्वेश्चन मेरे को पसंद नहीं, नहीं फैब्रिकेट नहीं, मेरे को आपने बहुत रिलैक्स कर दिया भाई। नहीं, आपका जो क्वेश्चन है आप रेंडमली वॉक एंड टॉक के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका जो भी सवाल है मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। अगर मेरे को सवाल गलत लगेगा तो वो गलत तरीके से भी जवाब मैं, हाँ भाई समझ गया आपकी बात, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो जाए तो अच्छा रहता है। नहीं नहीं भाई, वो माशाल्लाह। और आपके यहाँ कोई अच्छा लगा भाई सलाह एरिया भी है कि भाई जो आ सकते हैं, मतलब अपने ईमान वाले भाई आते हैं तो भाई नमाज वगैरह के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है बहुत टाइम पे। जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा बहुत दूर है, यहाँ तक अजान की आवाज भी नहीं आती है, और जब हम कारोबार करते तो अजान की आवाज होना जरूरी है तो ताकि शैतानी हरकतें दूर हो जाए। तो कुरान की किराए तो चलती है सुबह सूरह बकरा, तो हर बाड़े में माइक लगे स्पीकर लगे हुए, यहाँ पर सिस्टम है अंदर, वो सब चलता है। लेकिन उसके अलावा मेरे मोबाइल में ऐप डाल के रखा हुआ तो वो अजान के वक्त अजान हो जाती है, अव्वल वक्त में होती है, चलो अलम हो जाती है। अलम बहुत अच्छी बात है भाई, तो फिर यहाँ पे देखो नमाज वगैरह की भी फैसिलिटी के लिए ना पूरा सिस्टम है। हाँ माशाल्लाह, यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये सिस्टम है पूरा माशाल्लाह, इसमें ये पूरा ये यूएसबी लगाए हुए है जिसके अंदर पूरे फिक्स है माशाल्लाह। तो सूर्य बकरा की तिलावत होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर वेट मशीन है, वेट मशीन है। बहुत अच्छी बात है यहाँ, मतलब मैं तो भाई बुजुर्गों से सुनता था कि भाई सूर्य बकरा की तिलावत जो है ना बहुत सारी बलाओं को और सारी चीजों को दूर कर देती है भाई। आपके यहाँ पर देखा भाई हर बाड़े में हो रही है तो बहुत बड़ी बात है भाई। स्पीकर लगे हुए, उससे बेहतर ये है कि हम खुद भी पढ़े तो वो अच्छा है। नहीं मतलब किसी ना किसी दर्जे में तो है ना भाई, है लेकिन हम लोग खुद भी करने की बेहतर शक्ल तो वही है भाई। हाँ तो और नहीं है चल रही है हाँ। तो उसको सुकून से सुनना जरूरी है, सही बात है। तो जो वक्त पे नहीं लोग रहते, बातचीत नहीं होती हमारी ज्यादा, तो हम लोग अकेले रहते अपना काम करते रहते, काम करते करते हम सुनते भी है माशाल्लाह। तो एक्चुअली काम ऐसा है कि इस्लामिक तरीके से काम हो, तिजारत करना ज़रूरी है हमारे इसमें, तो हर चीज़ में हलाल तरीके से हो। आज हम लोग हर काम को सुन्नती काम बोलते हैं मैक्सिमम ये काम को, लेकिन सुन्नत तरीके से बहुत कम किया जाता है। सही बात तो है, हम कोशिश करेंगे। देखो मेरे यहाँ पर भी मैं बोलूँगा अभी फ्रैंकली स्पीकिंग इमरान भाई ये संभाल गया। हाँ हाँ भाई, अचानक में ये आएगा ना घुटना तोड़ दे। माशाल्लाह भाई बहुत खूबसूरत है भाई, क्या नाम है इसका भाई? बाबा रिजवान भाई। ये बाबा कितना छोटा लेके आए थे अपने यहाँ पर, बहुत छोटा आया था भाई। और इसने आया था तो क्या दिक्कत दिया था, स्टार्टिंग में कितना सताया था? एक्चुअली क्या मेरे पे सामने बता दो, क्योंकि बाबा की पहली वीडियो बन रही है और तुम्हारे सामने किसी के, अपन ने कभी भाई आपका भी नाम बोलो माशाल्लाह। मेरा नाम राहिल पटेल है। राहिल पटेल भाई, ये आया था 27 kg का आया था माशाल्लाह। और जब ये आया था इसके स्किन में प्रॉब्लम था, लूज मोशन चालू थे। अच्छा। पेट में मतलब कोई भी चीज हजम नहीं कर पाता था, कुछ भी खा लिया तो उसको गट्टे होते थे हर 10 दिन में ही। अल्हम्दुलिल्लाह सेट करने के लिए हम लोगों को 6 महीना लगा, इसको 6 महीने के ऊपर लगा, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सेट है। मेरे पास 1.5 साल से है ये बकरा, 1.5 साल हो गया है, उसके ऊपर हो गया। बहुत खूबसूरत चीज है भाई, 1.5 साल हो गया माशाल्लाह। सिक्के भी बहुत प्यारे भाई इसके। बात हम लोगों की चल रही थी कि सुन्नत तरीके से, सुन्नत तरीके से काम जो अभी भी हो रहा है मेरे यहाँ पर, सुन्नत तरीके काम कैसा होता है कि हम लोगों का हक अदा होना चाहिए जानवरों के, और जितने भी साहबा है नबी है उन्होंने बकरियाँ चराई है। हाँ। हम लोग चरा रहे हैं, सही बात है। हम लोग उसको एक जगह पे स्टक रख के हम लोग पलाई कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि वो ये जो जानवर है ना ये चराने के ऊपर नहीं है, तो क्योंकि इनको चराने के लिए छोड़ दे तो ये आपस में लड़के एक दूसरे की सींग तोड़ देंगे, ये दूसरों की अमानत है, ये मेरी चीज़ नहीं है। सही बात है, तो दूसरों की अमानत है तो उसको अमानत को अमानत के तौर पर ही रखना चाहिए, उसके ऊपर वैसा काम होना चाहिए। तो हम लोग इस तरीके का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सच के साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, मैक्सिमम आपको वीडियोस दिखेगी मॉर्टेलिटी के बारे में, वेट गेन नहीं हुआ उसके बारे में,
बहुत कम वीडियो है कि हम लोगों के यहाँ पर से बकरे अच्छे बन के निकले हैं। अच्छा। हमारे पास वक्त ही नहीं है वो बनाने का, क्योंकि वो मेरे यहाँ पर ऐसा है कि मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो टाइम पे डिलीवरी का टाइम होता है, देने का टाइम होता है, तभी मैं कैमरा लेके खड़ा नहीं हो सकते। सही बोले भाई। मेरे को बकरे नीला दूला के एक फार्म पे बकरा आप लाते हो तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि आपका बकरा साफ सुथरा रेडी एकदम और एकदम रेडी घर पे जाके साफ सुथरा कुर्बानी। हाँ भाई एकदम। नहीं तो आप देवनार से क्यों नहीं? नहीं सही बात है, तो इतनी फैसिलिटी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, तो फार्म पे से बकरा जब आपके घर पे डिलीवरी होता है तो साफ सुथरा होना चाहिए, एक अच्छे रैप में होना चाहिए। आप जब किसी को ऑर्डर करते हो, कोई भी ऐप से आप ऑर्डर करते हो, ड्रेस ऑर्डर करते हो या कुछ भी ऑर्डर करो, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? अच्छी पैकिंग में। हाँ, वो अच्छी पैकिंग में आता है आपके पास, तो अच्छी पैकिंग में आने के बाद में आपका पैकिंग देख के दिल खुश होता है। सही बात है। उसके बाद में चीज अंदर से और अच्छी निकली तो और दिल खुश होगा। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे फार्म पे बकरा जो है वो फिट एंड फाइन रहे, साफ सुथरा रहे, और हैंडओवर जो हो ना वो सफाई के साथ में हैंडओवर हो और अच्छे गिफ्ट रैप के पास साथ में रहे। तो हम लोगों ने गिफ्ट रैप का मतलब ऐसा नहीं कि बॉक्स नहीं भाई, पैक समझ गया, एकदम साफ सुथरा उसको रिबिन पैकिंग करके बेस्ट से बेस्ट कंडीशन में, मतलब हम लोगों का रिबिन पैक पैर पे रिबिन, सिंग पे रिबिन और पेट पे रिबिन। नहीं नहीं भाई वो तो भाई, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। नहीं देखा हूँ माशाल्लाह, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ। तो भाई ये खुला एरिया कैसा है, मतलब ये इसका क्या है? देखो दिखा देता हूँ एक बार। ऑलमोस्ट इमरान भाई मैंने जो आपको बताया बकरों को एक्सरसाइज जरूरी है, ये नबियों ने इनको चरवाया। हाँ अब मैं इनको कंटिन्यू ये केज में देखती हूँ, ये नहीं भी वो समझ ले कि ये कंटिन्यू केज में रहते हैं। हाँ यहाँ पर आपके पैर के पास भी खूंटा है। हाँ दिख रहा है भाई, वहाँ पर भी खूंटा है। देखो फ्रेंड यहाँ दिखा रहे खूंटा है। टर्न बाय टर्न बकरे एक्सरसाइज के लिए बने, मतलब सारे बकरे बाहर भी आते हैं। टर्न बाय टर्न इतने सारे एक साथ में मैं लेके आ जाऊँ? नहीं एक साथ नहीं, टर्न बाय टर्न, तो उनकी एक्सरसाइज भी होती है फिर केज में चले। माशाल्लाह जरूरी होगा। मैं बोला वही है कि हम सुन्नत तरीके पे काम करने की कोशिश कर। नहीं भाई अल्लाह पाक खूब बरकत दे और उसी पे सुन्नत पे बरकत है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये 12 नंबर 1 है, 12 नंबर 1 और 12 नंबर 2। अच्छा ये दोनों। हाँ तो फ्रेंड देखिए 12 नंबर 1 है और 12 नंबर 2 है माशाल्लाह। इधर साफ सफाई का काम चालू है क्योंकि मैं बहुत सुबह सुबह आया हूँ आरके भाई के, और माशाल्लाह भाई अभी बकरे यहाँ पर रखने का तो जैसा आपने स्टार्टिंग में बोले ये आसान काम नहीं है। हाँ वो मैं देख के ही समझ में आ रहा है भाई, वो आसान काम नहीं, आसान काम सिर्फ ला के बकरे को खिलाना पिलाना नहीं, एग्जैक्टली प्रॉपर केयर टेकिंग क्या होती है, उसकी दवाई होना चाहिए, उसके ऊपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो उसकी जगह साफ होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए। तो वो साफ होने के लिए हम लोग को देखो ये क्लाइमेट में नहीं नहला सकते, तो हम लोग नहीं नहला सकते क्योंकि ये ड्राई निमोनिया वाला क्लाइमेट में नहला देंगे तो ड्राई निमोनिया के चांसेस है। न्यू गोट साइड जो मेरे साल भर के पले हुए बकरे सेट हो गए, सेट हो गए, उनको भरी बारिश में भी नहला दो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सेट हुए हैं। लेकिन कुछ नए आए हुए ना उनको सेट करने के लिए हमारे पास है ना कम से कम 3-4 महीने का ये होता है। आने के साथ में बकरा रख दिया और आपको हर महीने का गेनिंग मिलेगा ये एक्सपेक्ट मत करो, हो भी नहीं सकता। कुछ बकरे देंगे कुछ बकरे नहीं देते हैं। अब ये इसके अंदर है, ये अभी हम लोग पलाई का पैसा लेते हैं, इसके अंदर एक्सपेंस ले लिए। देखो ये कैरेट तोड़ दिया इसने। अरे भाई हाँ भाई दिख रहा है। देखो कुछ बकरों के केज भी आपको टूटे हुए दिखेंगे जो बैंड कर देते हैं, ये तो अभी मारते हैं इसको भी है। अब ये पेंटिंग किए थे इसको, अभी 2 महीना पहले पेंटिंग किए थे, पेंटिंग निकल, तो मेंटेनेंस जरूरी हम लोग करते रहे। सब पलाई पे भाई ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भाई एक और चीज देखा हूँ आपकी कि आप हर बकरों का नाम रखते हैं, तो भाई नाम मैं एक बोलता हूँ कि जो बकरा जिसका होता है वो रखता है कि आप रखते पर्सनली? देखो अभी फिलहाल तो जिसके बकरे मैंने हर बकरों का नाम नहीं रखा हुआ है। अच्छा। कोई कस्टमर मेरे को सजेस्ट करेगा कि भाई ये बकरे का नाम रखो तो मैं रखता हूँ। अच्छा। हाँ पहले मेरे खुद के बकरे थे, जब मैं मेरे खुद के 120 बकरे के करीब में पालता था। हाँ। तो बकरी और बकरों का सबका नाम रखता था मैं बराबर टाइम पे, उनका बराबर नाम रखता था। लेकिन अभी ये दूसरों की अमानत है, शायद किसी को पसंद होता है कभी नहीं पसंद होता, तो वो अगर बोलेंगे तो हम लोग। अभी मैं आपको ऐसा तो नहीं पूछूंगा आरके भाई कि आपका फेवरेट बकरा कौन सा है, क्योंकि मैंने जब से आके देखा भाई आप सब बकरे को वैसे ही प्यार करते भाई। मेरा फेवरेट बकरे सब है क्योंकि अल्लाह के हुक्म से इनके जरिए मेरी रोजी रोटी चलती है, तो मेरे लिए सब बकरे मेरे शो स्टॉपर जितने भी।
चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब शो स्टॉपर है, क्योंकि हर किसी की चीज है वो उसके मेहनत के पैसे के, वो मेहनत के पैसे मेरे को पलाई के देता है और हम लोग मेहनत के पैसे लेते हैं। सही बात है भाई। भाई ये वाला बकरा ये कौन सी नस्ल है भाई? एक्चुअली ये गुजरी टाइप में है, गुजरी है, गुजरी में। मगर ये फुल वाइट है माशाल्लाह। फुल वाइट है लेकिन यहाँ पर हाँ पैच है। हाँ या फिर रिसेंटली इसको पंच किया गया है, या था पहले। अच्छा। तो कस्टमर की डिमांड भी पंच करने का, तो पंच किए हुए या ऐसे ऐसे करके खूबसूरत है माशाल्लाह। लस्सी के बारे में जाएगा माशाल्लाह। भी कोटा है ये मरीनो है। ओहो इसके बाल निकाल दिए इसलिए समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मेंढा कैसा पकड़ता भाई सेहत के एतबार से? आगे चल के और मेंढे दिखेंगे। हाँ तो ये पोजीशन पे आए थे और अभी चल के भाई ये तो बहुत खूबसूरत चीज है यार। अल्हम्दुलिल्लाह बरबरा है, ब्रीड बरबरा ब्रीड है। ये भी मतलब पलाई पे सब पलाई पे भाई। इसके सिक्के बहुत एक नंबर है यार माशाल्लाह। फ्रेंड देख सकते हैं आप इसको, ये तो एकदम बहुत कुछ। तो देखो भाई आरके गुड फार्म पर फ्रेंड देखो ऐसी होती है यहाँ पर माशाल्लाह। प्यारा बकरा है ये भी, अल्लाह सबको यार नजरे बद से बचावे माशाल्लाह। हाँ तो भाई लोग की मैं पूछ रहा था आपको कि मतलब ये लोग की कैसी होती खिलाई, मतलब कैसी होती है, मतलब अगर आप अपने व्यूवर्स के लेके बकरों को, ऐसे इतने बड़े बड़े जानवर है मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, ये लोग कौन से मौसम में क्या खिलाना चाहिए कुछ ऐसा? देखो जैसे कभी ठंडी का टाइम चल रहा था तो क्या फीड देते हैं? ऑल टाइम फीड होती है मकई। हाँ। हम लोग जो ऑल टाइम फीड देते हैं मकई। हाँ। ठंडी में ज्यादा करके हम लोग गेहूँ देते हैं उसके साथ। हाँ। और गर्मी में जौ देते हैं। अच्छा। और हरी पत्ती सुबह शाम दो टाइम पे चलती है। अच्छा। और ऐसा है कि सप्लीमेंट जो होता है लिवर टॉनिक टाइम टू टाइम बराबर देना पड़ता है, तो बराबर एग्जैक्टली जब जरूरत है तभी लिवर टॉनिक तभी ये करेंगे। तो ये भी बहुत खूबसूरत है, ये पूरा ये पूरे जमुनापारी सब जमुनापारी है भाई। मैं वो बहुत खुश हूँ। ये एक दो तीन चार ये पूरा जमुनापारी। तो फ्रेंड देखो ये सब जमुनापारी और ये सब भाई पलाई पे ही है ना? सब पलाई पे सब माशाल्लाह। एक बार दिखा दे तो आर के भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यार ये। तो खूबसूरत भी है वैसा एग्रेसिव भी है बहुत ज्यादा। क्या दांत पे रहेगा ये आर के भाई? ये छह दांत पे, छह दांत पे एक से एक बढ़ के एक है भाई माशाल्लाह। देखो फ्रेंड्स एक से बढ़ के एक चीज बोलते हैं ना, अल्लाह पाक यार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ना आर के भाई। भाई ये कौन सा मेंढा बोलेंगे आर के भाई? ये भी मरीनो ही है। ये भी मरीनो ही है। सिक्के बहुत प्यारे भाई इसके माशाल्लाह। अरे वाह डॉन। फ्रेंड्स देखो मैं दिखाता हूँ आपको ये रहा, ये मेरे को बहुत पसंद आया पर्सनली माशाल्लाह जबरदस्त चीज है आरके भाई। ये पूरे नहीं ये मुझे बहुत पसंद आया भाई, बहुत जबरदस्त चीज है, जबरदस्त चीज ही वैसी होती है, बहुत खूबसूरत भाई। क्या वेट पे रहेगा भाई? मत निकल होस पाइप डाल उसके ऊपर, पाइप किधर है बाहर निकालेगा तेरे को पागल कर देगा। हाँ ये कितने वजन पे रहेगा भाई? ये ऑलमोस्ट 55 केजी पे अभी रिसेंटली वजन किए थे। ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। आराम से बैठा है फ्रेंड
और बहुत खूबसूरत चीज है भाई, तो गुलाबी गुलाबी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आरके भाई। यार मुझे नहीं लगता कि यार पहली मेरे पहली वीडियो में माशाल्लाह आपने हर ब्रीड दिखाए, माशाल्लाह मैं सोचा भी नहीं था कि भाई हर ब्रीड अपने यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। वो हिसाब से हर चीज है, देखो दूसरों की चीज जब आती है तो हर ब्रीड देखने मिलेगी। नहीं भाई अपनी चीज नहीं, आप दिल खोल के दिखा रहे, वो बात से मैं आपको यार बहुत शुक्रिया बोलता हूँ। ये जैसा माहौल है वैसा ही सफाई हो रही है। हाँ भाई वो तो दिख रहा है भाई, ऐसा है कि मैं सफाई करूँ और लाली बॉर्डर लगा के प्रेजेंट करूँ वो मेरी फितरत। नहीं नहीं नहीं, जैसा चल रहा है वैसा सामने है, गंदे है तो है। नहीं नहीं नहीं, साफ होंगे इंशाल्लाह तभी भी दिखेंगे और गंदे है तो भी तभी भी दिखेंगे। देखो आप वो बात मैं आपको बोल देता हूँ फ्रेंड्स के भाई, आर के भाई बोले कि आप बिंदा शूट करो, जो है वो हमारे डेली चलता है, डेली रूटीन है, साफ सफाई सारी चीजें। मैं इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ बकरे माशाल्लाह कैसे आराम से बैठे है, हर बाड़े में सुकून से बकरे बैठे हैं फ्रेंड्स माशाल्लाह, और एक से बढ़कर एक बकरे हैं फ्रेंड्स, और सब पलाई पे, और लगभग सारे केजेस फुल है माशाल्लाह। आरके भाई ये कौन सा है भाई? ये मालवा। अरे ये क्या चीज है यार, माशाल्लाह भाई। देख रहे हाँ भाई, इसका क्या नाम है? इसके तो बहुत इसका नाम शेर, शेर शेर है ना, देखा भाई मिल रहा है। हाँ भाई आसिम भाई की वीडियो पे देखा मैं इसको, माशाल्लाह भाई ये सानन है जी। देखो फ्रेंड यहाँ पे सानन भी है, कश्मीरी देखो फ्रेंड कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। एक और लुक दे देता हूँ ना मैं कैसा है, बकरे बकरे माशाल्लाह बकरे बाड़े भरे हुए हैं। तो फ्रेंड ये बाड़ा नंबर 7 और 8 है, इसमें भी माशाल्लाह सब एक से एक बढ़ के एक से एक बकरे। अभी सुबह का टाइम है, क्लीनिंग का टाइम है माशाल्लाह फ्रेंड। क्या बकरा है फ्रेंड, ये मैंने बहुत कोटा देखा लेकिन यार, हाँ भाई ऐसा कोटा नहीं देखा भाई, शायद पहली टाइम पे बकरी की वीडियो बना रहे इसलिए नहीं देख रहे बहुत सारी। नहीं नहीं भाई बहुत देखा मैंने भाई, ऐसा मत समझो भाई, बहुत देखे भाई, लेकिन उसकी वो क्या है ना, वो उसकी हरकत और वो बता रही है भाई कि जो एक शौकीन लोग को पसंद आता है ना भाई, वो सारी चीज उसमें मौजूद है भाई, खाली ऐसे नहीं बोल रहा भाई, अकेला उसको नजरे बस से बचाए भाई माशाल्लाह भाई। तो आरके भाई मैं भी बोल रहा था कि भाई कि अगर अपना कोई जैसा कि पलाई वगैरह का कैसा है प्राइस आप लोग यहाँ? अंडू बकरे की पलाई 3,500 रुपया, खस्सी की 3,000 है, लेकिन अंडू के केजेस नहीं है अभी फिलहाल मेरे पास, जो ये खाली है ऑलमोस्ट बकरे बाहर है तो वो केजेस ऑलमोस्ट फुल है अपने यहाँ, ऑलमोस्ट फुल है, रहे तो अभी 2-3 केजेस ही रहेंगे। तो फिर कैसा मतलब कब से आप लेना चालू करते हैं? मतलब कुछ लोग ऐसे कि इसके टाइम पे बकरा लेने के लिए आते हैं, हाँ। वही टाइम पे वो अपना बकरा लाके छोड़ देते हैं। अच्छा, तो और इसके फौरन बाद से लेना चालू कर देते हैं, लेकिन स्टॉप स्टार्ट ऐसा करते रहते हैं। अच्छा, एक साथ में लॉट लेके हैंडल नहीं हो सकता। अच्छा, तो जो 8-10 ये टाइम पे तो हम लोगों ने बहुत स्टॉप एंड स्टॉप के ऊपर अच्छा खोल लेते भाई, अच्छा कड़ी खोल लेते तो 3,500 अंडू की ना, हाँ। और 3,000 खस्सी की अलहमदुल्ला, वो छोटा हो या बड़ा हो सबका रेट एक जैसा ही है। अच्छा,
कि छोटे बकरों में सप्लीमेंट ज़्यादा जाता है, बड़े बकरों का तो ऑलरेडी सबको खुराक गुराक सब पता ही है। हाँ, तो अभी कितने दांत से अपन लेते के, मतलब छोटा कितना छोटा ले लेते हैं? मिनिमम 6 महीने, 6 महीने का बच्चा, 5 या 6 महीने। अच्छा, इससे छोटा लेके आओगे तो वो सेट करना, मतलब अब वो बारिश के टाइम पे सेट करना, ये क्लाइमेट में आता है तो बात अलग है। अच्छा, लेकिन माँ का दूध छोड़ा हुआ बकरा रहेगा वही लेते हैं हम। माँ का दूध पीने वाला तुम माँ से सेपरेट करके खरीद रहे हो, अभी लाके दे रहे हो, तो वो सेट होने में बहुत दिक्कत दे देगा। और किसी माँ को अपने बच्चे से अलग या बच्चे को अपनी माँ से अलग नहीं करो, मतलब पर्सनल सोच है, समझ गया। बाकी लोग उसको सही या गलत बोले वो उनकी बात है। हाँ। लेकिन मेरी एक पर्सनल सोच है कि भाई, लेकिन माँ का दूध पीता है छोड़ा दे उसके बाद से अच्छी बात में खुद ब खुद छोड़ दे। हाँ। फिर वो बकरा खरीदो तो बेहतर है, वही बकरा लाके दो पा। देखो फ्रेंड, ये 12 नंबर 9 और 10 है, तो ये भी दिखा देता हूँ मैं। आरके भाई, इन लोग का मेंटेनेंस में कैसा पड़ता है? मतलब अभी मैं देख रहा हूँ कि सिंग वगैरह पे इतना प्रोटेक्शन लगाया आपने। ये प्रोटेक्शन लगाया, ये सिर्फ देखो ऐसा इमरान भाई, ये टाइमिंग है। हाँ। ये प्रोटेक्शन सिर्फ हमारी खुशी के लिए। हाँ। कि हमने प्रोटेक्शन लगाया, वो सिंग घसने से थोड़ा बचे। हाँ। लेकिन आपने देखे वो मालवे बकरे ने वो 6000 PSI का होस पाइप है, इसको 5 दिन में लोग घस के खत्म कर दे, तो वो सिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता रहेगा वो आपसे समझ गया। अगर कोई बकरे की सिंग टूटने वाली है या तोड़ने वाली है तो ये होस पाइप से कोई प्रोटेक्शन नहीं होएगा। अच्छा। क्योंकि एक सैंपल के तौर पे बताता हूँ, ये मेरी उंगली है, ये आप पकड़ के मोड़ दो यहाँ से टूट जाएगी। मैं यहाँ से ग्रिप करके इसको अगर मैं कोई चीज का बांध के रखता हूँ तो आप मोड़ने जाओगे तो नहीं टूटे। तो इनके लिए यहाँ से ग्रिप कोई नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर करते हैं, यहाँ से नहीं हो रहा है ना। हाँ, समझड़ से तो टूटने वाली है, जब वो होस पाइप के साथ से भी मारेगा तो टूटने वाली है, टूटेगी। खाली इतना है कि सिंग घसने से प्रोटेक्शन होता है। भाई मैं एक दिखा देता हूँ अंदर से खाली। देखो फ्रेंड, यहाँ पर भी एक बाड़ा है 9 और 10 माशाल्लाह, और एक से एक बकरे है फ्रेंड। ठीक है, देखो ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ पर भी एक शीप है। बाहर के भाई ने अपने को शूट करने दिए वही है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक से एक बढ़ के अभी तो कुछ बकरे बाहर भी है बाड़े के, जैसे इन्होंने बताया कि भाई टाइम टू टाइम तो बकरे को बाहर निकालते हैं नंबर वाइज। ठीक है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया फ्रेंड। देखो आप, ये सब पलाई के बकरे हैं आरके पे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका बकरा इधर आए तो जब नेक्स्ट ईयर की पलाई शुरू होगी तो आप वो टाइम पे आरके भाई से कांटेक्ट करें पलाई के लिए। ठीक है मैडम। हाँ तो फ्रेंड, यहाँ पर एक फीमेल सेक्शन है आरके भाई का, आरके गोट फार्म का। तो इसमें भाई सब पलाई की फीमेल है? सब पलाई की, मैक्सिमम फीमेल पलाई की है। और पीछे उसके जो है बच्चे, अभी आपने बाहर घूमते हुए देखे, ये 3 महीने के ऊपर हो जाएंगे। अच्छा, तो उनको फिर वो पीछे वाले बांध। भाई आपकी एक पर्सनल बकरी थी ना, मेरे को वो देखने की थी भाई, वो चांद जैसी सींग वाली थी। इंतकाल हो गया। अच्छा, मतलब बहुत पुरानी हो गई थी, एजेड हो गई थी यार। सोनी नाम था उसका। हाँ, सोनी की हो गई थी। अच्छा, तो उसका इंतकाल हो गया, उसके बच्चे में जू हुआ। अच्छा, तो भाई एक ऐसी हाँ, ये पूरा बोर का बाड़ा है। मैं दिखा देता हूँ भाई एक बोर, जब ये सब पलाई के बोर है ना भाई, माशाल्लाह। तो फ्रेंड देखो, बोर का ये माशाल्लाह, और एक से एक क्वालिटी के बोर है भाई, एक से खूबसूरत। मैं खदीजा को भी बोर बहुत पसंद है माशाल्लाह, तो उसके लिए भी है, यहाँ पर भी है। ये एक से एक बकरे भाई माशाल्लाह, ये सब पलाई पे फ्रेंड। यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से देखो खातिरदारी होती है बकरे लोग की, यानी इतना आसान जितना वीडियो में दिखता है ना भाई, उतना आसान नहीं है। मैं बहुत टाइम से आके यहाँ पर बैठा था, देख भी रहा हूँ माशाल्लाह। ये है ना कुछ चीज है भाई माशाल्लाह।
भाई बोर देख के दिल खुश हो गया भाई, माशाल्लाह भाई मजा आ गया भाई। वो तो और भी यहाँ पर दिखेगी आपको, खूब बरकत देवे भाई। यहाँ पे क्लीनिंग का काम चल रहा है, दिखा देता भाई। क्या नाम भाई आपका? असलीम भाई, माशाल्लाह। बड़े बड़े बोर है। क्या नाम वाम है इसका? कुछ भाई हरके भाई, इसका नाम क्या है? बहुत जबरदस्त चीज है कश्मीरी। हाँ भाई हाँ, एक चीज मैं देख रहा हूँ भाई कि इतना एग्रेशन नहीं दिखा रहे लोग। हाँ भाई, अंडू होने के बावजूद भी, मतलब जो आप बोल रहे वो सही है, एग्रेशन है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतनी हलचल नहीं है भाई। ये बारे में तो आपको पता चला। अच्छा, आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी, चालू हो गया हमारा। अल्लाह ओ वाह। हाँ तो फ्रेंड, ये 12 देखो यहाँ पर 11 नंबर और ये 12 नंबर का वाड़ा है माशाल्लाह। ओहो, तो भाई यहाँ तो अभी आप मेरे को बताओ कि भाई ये इतना साफ सफाई रखने के लिए बकरे को क्या करना पड़ता है भाई? क्योंकि बकरे में देख रहा हूँ ना भाई, इतने पीले भी नहीं पड़े, मतलब एक होता है ना अंडू है, और तो इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं भाई कि पेशाब के कैसा बता रहे हाइट में ऊपर पहली बात तो पेशाब नीचे की थी, लेंडी नीचे की थी, जो गंदे होने वाले वो गंदे दिखेंगे आपको, लेकिन वो नहलाने धुलाने के बाद में साफ हो जाएगा। नहीं, मेजोरिटी में देखा ना बकरा बैठता है वो, और वो चीज मैं देख रहा हूँ वो नहीं है भाई। और लेंडी नीचे गिर जाती है ना, गैप है ना। हाँ भाई, उसके ऊपर बैठने का मौका नहीं मिलता। तो खूबसूरत चीज है भाई, इसका नाम है कुछ? ये अभी कस्टमर की डिमांड के ऊपर है ना, जैसे अभी ये बकरा इसका नाम अलबदर है। अलबदर, माशाल्लाह। ये कुछ कुछ बहुत जबरदस्त चीज है भाई, बहुत जबरदस्त चीज है भाई, माशाल्लाह। और एक से बढ़ के एक है भाई, मगर मैंने दिल से बोल रहा हूँ भाई, एक बकरे का शौकीन हो रहा है ना, आप समझ रहे हो, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड। देखो आरके भाई को, आरके भाई भी समझ रहे होंगे कि भाई बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बकरों का शौकीन अगर आ गए ना, इतना कोटा भाई, अपने को बहुत बहुत मोहब्बत है भाई, तो भाई एक टाइम पे इतने देखे ना भाई। देखो फ्रेंड, ये भी है ना, सब कोटा है माशाल्लाह, सारे कोटा है, और एक से बढ़ के एक कोटा है फ्रेंड, इतनी साफ सफाई में माशाल्लाह। देखो ये ऊपर चढ़ा हुआ है माशाल्लाह। हाँ, बहुत पसंद है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, यहाँ पर है आरके गोट फार्म का सबसे फेमस बाड़ा, मेरे हिसाब से तो 90 प्लस है। अभी आरके भाई यहाँ पर है अंदर, तो आरके भाई कैसा 90 प्लस कैसा नाम दिए बाड़े को, मतलब कुछ
जो प्लस अपने 90s चले जाते वो इधर आ जाते भाई। ये तो मेरे को फ्रेंड बता नहीं सकता आप लोगों को, माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए यार। मतलब एक सपना होता ना आरके भाई एक बकरेवास का, यार वो आप जी रहे हो यार। अच्छी बकरा है क्या बात, हाथ हाथ लगा के बता दो उसको। माशाल्लाह भाई यार चेक कर लो, अभी कपूरे भी नहीं पूरे छोटे जो बाप किया हुआ वैसे इतना गर्म। माशाल्लाह मैं आपको ऐसा तो नहीं बोलूंगा, एक चीज मैं देख रहा हूँ भाई, हर बकरा आपके नजदीक कितना भी गर्म हो आप नजदीक जा रहे हो तो एकदम ठंडा हो जा रहा है भाई। ये चीज यार जबरदस्त चीज है भाई। मैं नए आदमी को देख के लगता है बहुत, हाँ हाँ जरा नए आदमी को देख के मचा रहे लोग यार। नए आदमी देखेंगे तो एक बता दे। इसका नाम क्या है भाई सर? इसका नाम टाइगर। कस्टमर का है मेरा नेम है, इतना प्यार करना तो ये नहीं समझना। नहीं नहीं भाई वो तो नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ भाई, एक तो कस्टमर के है माशाल्लाह, और वो बकरा देखो ना आपसे कितने मोहब्बत में है फ्रेंड। तो ये ना ये चीज मैं बता रहा हूँ फ्रेंड कि ये चीज प्यार करो। ओहो हो क्या खुश हो रहा हो, चलो जा रहा हूँ। बहुत खुश हो रहा हो भाई, भाई ये भी बहुत प्यारा बकरा है, जस्टिफाई हो रहा नहीं है फ्रेंड वीडियो में, लेकिन जबरदस्त चीज भाई। जमुनापारी मैक्सिमम मेरे यहाँ पर जमुनापारी भाई, ये बहुत बड़ा जमुनापारी है भाई, बैठा है इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी चीज है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सेम ही है, ये जो है ना ये तो मैं 100 प्लस लग रहा है भाई। नहीं ये ऑलमोस्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं। मगर एक हर चीज होती ना भाई, वो हर चीज है बकरे के अंदर, हाँ माशाल्लाह वो बकरे में सब चीज है भाई। ओहो देखो ये तो बकरा मैं खदीजा के लिए करता हूँ, मेरी बेटी के लिए, उसको ये सब आगे बोलते है ना, हंसा है ना भाई ये माशाल्लाह। जमुनापारी ये मैं हंसा नहीं बोलता हूँ, मैं जमुनापारी बोलता। अच्छा जमुनापारी ही बोलते माशाल्लाह काला कोटा है फ्रेंड। देखो अभी समझ में आ रहा है कि इतनी प्रोटेक्शन देने की वजह और सारी चीजें क्यों है भाई, क्योंकि इतना बड़ा बकरा होता है उतनी ताकत से वो मारता है जाली पे, मेंटेनेंस में भी जाते हैं वैसे पूरे वो वहां से दीवार तोड़ दी भाई। तो फिर दिख रहा है भाई, वो उसने मेरे सामने भी चार बार मारा तो मैं देखा पूरी केज हिल गया भाई, जबरदस्त भाई। तो फिर कैसा परवट जाता है आरके भाई, नुकसान तो बहुत करते रहेंगे ना ये लोग। अल्लाह चलाते नहीं, अगर ये चीजें तो कोई बताता नहीं है, देखो इसमें खुला पूछ रहा हूँ, नुकसान तो बहुत करते रहेंगे भाई। नुकसान होता है, कैरेट टूटते हैं, और ये साल तो अभी तक भाई वीडियो में आया एक बकरा मेरे सामने तोड़ा अभी कैरेट, 20-25 कैरेट तो टूट चुके, और एक कैरेट 350 रुपए का एक कैरेट होता है, तो आपकी 3500 रुपए की पलाई के अंदर ये भी हमारे को झेलना है, दीवारें तोड़ते हैं, कुछ केजेस तोड़ देते हैं। ये तो मतलब आपका पर्सनल में ही जाएगा ना, जाते हैं, लेकिन देखो इसमें भी बचता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बचता है। कैसा बचता है ये अभी अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊँ ना
तो नहीं मालूम पड़े। नहीं मगर मैं वो मेरा वो सवाल था ना, इतने बड़े बड़े बकरे नुकसान भी करते भाई, ये चीज बड़े क्या छोटे बकरे भी करते नुकसान, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग करके अगर काम करना चाहे ना, मैं मेरी पर्सनल थिंकिंग कर रहा हूँ तो मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ समझे, एक इसमें मेरे को समझ गया भाई, इसके अंदर मेरे को ना फिर वो कैलकुलेशन वाइज होना चाहिए, नहीं फिर ये बकरे को 500 ग्राम ही दाना था। नहीं नहीं समझ गया, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए वो बात तो भाई, समझ गया भाई, ये मोहब्बत की चीज है फ्रेंड। असल में क्या है भाई, बकरों से मोहब्बत होनी चाहिए, जानवरों से मोहब्बत है ना तो ही आदमी ये शौक कर सकते है। ये बात तो मेरे को आरके भाई को देखकर समझ में आ गई। अभी यहाँ पर तो छोटी लग रहे मेरे को थोड़े उम्र में, है ना भाई? ये अभी सब 2 साल के पलटी के बकरे ये यहाँ पर है, वहाँ पर भी आपने बहुत सारे बकरे देखे रहेंगे। हाँ। जो 10 साल यहाँ पर थे, फिर वो जैसे बड़े होते तो भाई वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अच्छा, इसमें भी मैक्सिमम जमना, जैसे आपने मेरे को बताया था दूध छुड़ा के जो बच्चे रहते पलाई पे, वो ये वाले कौन सा, वो फिर बड़े होते तो फिर बाद में जैसे ट्रांसफर। 5-6 महीने की आए थे वो, कुछ बकरे 5-6 महीने के भी है ना केज में नहीं रहते। अच्छा, मतलब ओपन में नहीं रहते, केज चाहिए रहता है क्योंकि वो एग्रेशन इतना रहता, तो एक दूसरे की यहाँ पर भी सिंग तोड़ने का, तो फिर उनको केज में डालना। भाई ये वाड़े में देखे क्या? आप जा सकते हो, संभाल के घुटना बचा। हाँ हाँ बता दियो, मेरे बच्चे लोग ना बैंटम और ये जिंग वगैरह बहुत पसंद है भाई, इसके लिए भाई इधर बस घुटना बचा। हाँ इंशाल्लाह भाई, कोशिश तो फ्रेंड देखो दिखाता हूँ आपको, आरके भाई तो बोले अंदर जाओ लेकिन घुटना बचा लो अपना, लेकिन एक से बढ़कर एक है फ्रेंड, माशाल्लाह दिखाता हूँ फ्रेंड आप लोग को, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और यहाँ पर भी एक है, बरबरा कश्मीरी, यहाँ पे एक जिंग भी है, वो खदीजा को जो पसंद आया था वो ये था माशाल्लाह। भाई इसका नाम क्या है? ये भी उसका नाम है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत चीज है भाई। इलो का मतलब, हाँ भाई शैम्पू वगैरह, ये जो बड़े बड़े बाल के बकरे इनका मेंटेनेंस तो अलग ही होगा ना, कंडीशनर के साथ में, मतलब भाई ऐसे जैसे दिख रहे भाई इतना, हाँ कंघी वगैरह और ये सारी चीजें होने के लिए कंडीशनर भी है। हाँ वही मतलब, उतने जितने बड़े बाल उतना उन लोग के ऊपर मेंटेनेंस बढ़ता है, जैसा मैं मेरे बाल का केयर करता हूँ वैसे उनके भी। हाँ भाई वो बात तो सही है भाई, माशाल्लाह। इसमें कौन सा बाड़ के भाई, ये कौन सा बाड़ा अपना? ये बाड़ा नंबर 20 है, देखो इसके अंदर सब खस्सी बकरे। खस्सी का कैसा है मतलब, क्या आरके गोट फार्म कैसा है मतलब, खाली अंडू में तो नाम अल्हम्दुलिल्लाह है तो खस्सी में भी बकरे है, देख लो जो भी अभी ये इंशाल्लाह ईयर एंड में कस्टमर खुद आके फीडबैक देंगे कि उनके बकरे कैसे। अगर यार कोशिश अगर अल्लाह ने चाहा तो भाई भाई ईद के टाइम पे भी आके वीडियो बनाऊंगा। एक बाड़े में जाएगा अंदर, अभी ये लोग सफाई किए हुए ना, फिर वो काला वाला बकरा मारता है खस्सी होने के बाद। नहीं 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 कोई मसला नहीं, माशाल्लाह रेस्ट कर देंगे। हाँ नहीं नहीं फिर उठा देंगे, फिर रेस्ट पे बैठे। ये बहुत खूबसूरत चीज है, आप खड़े हुए तो माशाल्लाह सब लोग आ गए, दिखाता हूँ फ्रेंड दूर से। तो खस्सी का कैसा रहता भाई, रखना आसान है कि अंडुल ज्यादा आसान है, क्या बोलते हो आपकी क्या रहे? खस्सी ना अंडू में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पर, तो देखो ज्यादा करके अंडू में भी मतलब सिंग तोड़ने का डर है, कैरेट टूट रहे हैं और मेंटेनेंस ऐसा नहीं है कि खस्सी नहीं तोड़ते, खस्सियों ने भी 2 टाइम ये केज तोड़ दिया, वेल्डिंग अभी की हुई है रिसेंटली, तो वो यहाँ पर भी होता है प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए, वहाँ पर पैर नहीं रखे अंदर जाके नहीं बैठे तो वो स्लैब लगा के, हाँ स्लैब भी दिख रहे हैं वो, उसके बावजूद भी ये लोग तोड़ते हैं, वो भी तोड़ते हैं, फीडर बॉक्स भी टूटता है, बेजुबान है, उनको समझ नहीं है किधर क्या है क्या नहीं है। तो ये वाली कौन सी नस्ल है भाई जो बोल रहे? ये सिंधी है। सिंधी अंडू है क्या भाई? अंडू था खस्सी की है, हो गया 2 महीने हो गया खस्सी का, माशाल्लाह बकरा हो गए। सिंधी ज्यादा देखने नहीं मिलते भाई, बहुत रेयर केस में मिलते हैं अपने पास। भाई मैं देख रहा हूँ ये फार्मिंग का भी देख रहा हूँ,
तो क्या फार्मिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं देखा हूँ भाई, आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अभी ये टाइम पे क्या उगा रहे हैं आप, वो तो थोड़ा सा बताओ। प्लस के पीछे मूली उगी हुई है, टमाटर है, मिर्ची है, भिंडी है, पालक है, और वहाँ पर सामने आपको जो दिख रहे थे वो ककड़ी लगी हुई है। हाँ। और दूधी भी आ रही है। अच्छा। और ये अंजीर का झाड़ है। हाँ। ब्लैक पेरू का झाड़ है। अच्छा, अच्छा। वो वाला जो ब्लैक कलर का ही दिख रहा। हाँ, है ब्लैक कलर। जैसे उसके पत्ते वैसे कलर के पेरू आएंगे, जो ब्राउनिश कलर में आता है ना, वैसे वो ब्लैक गावा बोलते हैं। फ्रेंड आपको नजदीक से दिखाता हूँ मैं, ये अंजीर है और एक पेरू का झाड़ है, और ये हमारा डम एरिया है। यहाँ पर जितने भी फार्म का कचरा होता है ये लाके इसके अंदर डाल के फिर 15 दिन में हम लोग जला देते हैं। हम लोग किसी को अपने जात से नुकसान नहीं देते, बाहर फेंकना और ये करना। हाँ, समझे। यहाँ पर सीधा से है ना उसको जला दो, खत्म हो। अपने अपनी चीजें डिस्पोज कर देते हैं पूरी। और उसके पीछे खुदा ना रास्ता कोई बकरा मर गया या जो भी हुआ तो पीछे जाके हम लोग उसको दफना देते, फेंकते नहीं। ककड़ी है, कितनी बड़ी ककड़ी आई है। माशाल्लाह भाई। देखो फ्रेंड आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ देखो ककड़ी वगैरह भी उग गई माशाल्लाह। दूधी भी आ रही है, पूरी दूधी आ रही है। देखो हाथ लगाएंगे तो खराब हो जाती है। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगा रहा इसका, मैं बता रहा हूँ। मैं भी ये दूधी है, यहाँ पर थोड़ी बड़ी है। हाँ माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ये पाइनएप्पल आ रहा है एक नीचे, वो देखो। ओहो फ्रेंड देखो, पाइनएप्पल भी है यहाँ पर। और ये अजवाइन का झाड़ है भाई। आप तो एकदम मतलब माशाल्लाह एकदम जबरदस्त चीज भाई। ये अजवाइन का झाड़ है। ओहो हो हो, ये अजवाइन अपन खाते हैं, उसके पत्ते। ये बकरे सर्दी या निमोनिया में आएंगे तो कुछ भी। माशाल्लाह ये धोके हम भी खा सकते, हमारे भी पेट का। नहीं भाई, मैं देखता था अभी तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, दादी लोग थे ना हमारे भाई, वो लोग उगाते थे और बच्चे लोग को सर्दी होती थी ना तो ये धोके सीधा खिलाते थे। तो ये वही बकरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह भाई, अब क्या यहाँ देखा तो मेरे को याद आ गई भाई मेरी दादी की, कि भाई अजवाइन अभी ये सब क्या भाई, अभी जब फ्लैट सिस्टम में आ गया तो ये सब चीजें खत्म हो गई भाई। आजकल आसान करे बहुत सारी चीजें इंजेक्शन के ऊपर भी हो गई है। हाँ भाई, चीजें खत्म हो चुकी है। तो हम नहीं, मतलब ये सब चीज हम लोग ने खाया भाई, दादी लोग हम लोग को खिलाते थे वो चीज। तो फ्रेंड देखो ये ब्लैक पेरू का झाड़ है माशाल्लाह। इसमें अभी फल आए थे तो मैंने अभी दे दिया था घर को, ये सेम जो कलर है ना पत्ते का। हाँ, ये कलर के पेरू आते हैं इसमें। ओहो, तो बल्ला ने एक एक फ्रूट में कितनी यार वैरायटी रखी है। वैरायटीज और बहुत मीठे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सबर का फल मीठा। मतलब ये मैं देख रहा हूँ फ्रेंड, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो में बहुत छोटा झाड़ है और भाई बता रहे इसके ऊपर फ्रूट आ गए, मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ नहीं, मतलब इतने छोटे में भी। तो पहला फल मैंने मेरे अम्मी को दिया माशाल्लाह, दूसरा फल वहीद की अम्मी को गया। एक फल था वो उसको नहीं तोड़ना था, लेकिन वो तोड़ते तोड़ते वो भी छोटा सा टूट गया, तो वो हम लोगों ने खाए। इतना इतने छोटे में भी बहुत ज्यादा मीठा था माशाल्लाह। सबर का फल मीठा होता ना, वो 2 साल के बाद में तो झाड़ ने फल दिया माशाल्लाह। हाँ तो आरके भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और माशाल्लाह पूरा फार्म दिखा इसके लिए, और मेरे चैनल को भी एक इंट्रोडक्शन मिल गया गोट फार्मिंग में आपके वजह से भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फार्म्स है, बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे उनको भी। हाँ, उनकी इजाजत रहेगी तो फिर मैं आपका। मैं वही आपको बोलने वाला था लेकिन आपने सामने से बोल दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अवेलेबल जब रहेंगे मैं नंबर शेयर कर दूंगा, वो लोग कॉल करके आपको बुलाएंगे। और अपने भाई लोग भी बैठे। क्या भाई आपका नाम? मेरा नाम अलमास है। अलमास भाई माशाल्लाह। और क्या दद्दू भाई ना, क्या अब्बू भाई से तो हम लोग मिले भाई, बहुत खुशी हुई भाई। ये सब दोस्त लोग हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भाई? जुनैद नाम है मेरा। जुनैद भाई, तो भाई आप लोग का क्या है, मतलब बकरे वगैरह है कि खाली ऐसे दोस्त? बस ये आके भाई के हम लोग फार्म उनका है। अच्छा, फार्म ही उनका है। हम लोग फैन है भाई, फैन है, मिलने आए हम। फार्म उनका है, हमारा घर के जैसा रिलेशन है पूरे, हमारे मोहल्ले में साथ में रहते हैं हम। अच्छा भाई, तो फार्म ही उनका है पूरा। नहीं भाई, मैं देख चीज देखा कि भाई बहुत मोहब्बत है यहाँ पे, हमेशा रहे भाई। और बहुत बहुत शुक्रिया आरके भाई। और हाँ, मैं उन लोगों को वही बोला मैं भाई, सबके भाई भाई इनकी पहले लो। हाँ भाई, भाई आपका नाम? रेहान। रेहान भाई, रेहान भाई के तो बकरे इधर है ना, वो मिंडा ये है ना। हाँ माशाल्लाह बाबा, क्या नाम है इसका? रेहान भाई बाबा माशाल्लाह। मैं क्या यार, इसके लेफ्ट साइड ही रहता हूँ भाई,
सीधे में मार देगा अलग। क्या बोलते रेहान भाई, आरके में कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस, कितने साल से रखे मतलब अपने बाबा को? 2 साल हो गए। डेढ़ साल, माशाल्लाह। आया था तभी इसको लूज मोशन था, स्किन इन्फेक्शन बहुत उतला पतला था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पिकअप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सामने ही चीज है। नहीं माशाल्लाह एकदम शेर जैसा मतलब उसकी माशाल्लाह बनावट और सारी चीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक नंबर है भाई। बहुत अच्छे से देख देख करते सबने जानवर समझा था। भाई मेरे सामने से नहीं जा रहा हूँ, इधर से दिखा दो भाई। माशाल्लाह सीधा चलने लगता है भाई ये तो। आरके भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दिल से बहुत खुशी हो रही है। खुद आए और वीडियो शूट किए यहाँ पर, अरे नहीं तो कोई मसला नहीं है इसके। नहीं भाई, मैं इसके लिए आपके फार्म को ना सबसे पहला चुना। देखो फ्रेंड, मैंने ना ये मतलब ये यार खत्म हुआ था भाई, मैं लाइव आके मेरे जितने व्यूवर्स आते हैं अपने लाइव में सबको बोला था कि मैं अपने ये साल से नए ईयर से हर चीज शूट करेंगे, और उसमें गोट भी था भाई। तो मैं उनको बोला था कि भाई गोट में अपन ऐसी जगह जाएंगे ना जहाँ पर सच्चाई हो, तो सच्चाई के लिए मेरे को भाई आपका फार्म लगा और आप लगे भाई। बाकी भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका भी शुक्रिया आप आए। और आपके व्यूवर्स जो देखेंगे उनका भी शुक्रिया, जो अच्छे कमेंट करेंगे उनका भी शुक्रिया। नहीं नहीं कमेंट करेंगे बहुत अच्छे, नहीं नहीं बहुत अच्छे व्यूवर्स है भाई। नहीं आपके व्यूवर्स अच्छे हैं, लेकिन बाहर से अभी नए आएंगे ना जो गलत कमेंट करने के लिए, उन लोग तो एनी टाइम वेलकम है भाई। सब कमेंट रहना, कोई भी हाइड नहीं करना। हाँ भाई इंशाल्लाह भाई, चलो आपने बोल दिया तो मैं रखूंगा भाई। तो फ्रेंड देखो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा भाई आरके गोट फार्म को देखो सपोर्ट करो, है ना। माशाल्लाह आप लोग करते ही है ना, अपने चैनल पे नया है और भाई ने अपने को मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पलाई पे बकरा भेजो, अंडू खस्सी सारी चीजें भाई जब से चालू होगी, और आने वाले टाइम में भी हम लोग आरके पे वीडियो बनाएंगे भाई। कभी स्टार्ट करोगे तो मेरे को भी याद करना है। स्टार्ट मतलब पलाई कब स्टार्ट होगी ना आपकी, तो वो टाइम पे बुलाओगे? अंडू की बकरा पलाई फूल है, अच्छा खस्सी की जगह खाली है, तो आप जब भी आपका दिल करे आप आओ शूट करो। पहले कितने बकरे थे, अभी कितने बकरे आपको? नहीं तो भाई फोन पे चलो मैं पूछ लूंगा। अभी खस्सी के लिए आप लोग भेज सकते ना भाई, माशाल्लाह खस्सी के लिए एक बार पलाई बोल दो ना भाई आपकी। अंडू की 3,500 रूपए और खस्सी की 3,000 रूपए, लेकिन अंडू की जगह नहीं के बराबर है, तो आप खस्सी के लिए खस्सी के लिए ट्राई। कुछ बकरे हैं जो पंच करके खस्सी में ट्रांसफर करने के, तो केजेस हमारे को पता चलेंगे कि कितने खाली होते हैं फिर बाद में। बाकी क्वालिटी और सारी चीजें तो भाई मैंने दिखा दिया फ्रेंड, आपने वीडियो में भी देख लिया माशाल्लाह, एक से एक बढ़ के एक बकरे, ठीक है। तो आप लोग भी चाहते है की माशाल्लाह ऐसी खिदमतदारी हो, तो फिर आरके पे आप अपना बकरा भेजो भाई, इंशाल्लाह, ठीक है। सलाम अलैकुम। वीडियो देख के बकरा नहीं भेजना, फार्म विजिट करो। नहीं आप पर्सनली आप विजिट करो, विजिट करो उसके। हाँ ये बहुत अच्छी बात बोले भाई। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ भाई कि पर्सनली मैं आगे जब आरके भाई से मिला ना, और पर्सनली हर चीज में जाके ना कम से कम 1 घंटा भाई मैं बैठ के ना ऑब्जर्व ही किया, तो मैं यकीन मानू कि बहुत मेहनत है और बहुत मेहनत से रख रहे भाई माशाल्लाह। तो जिसको भी रखना है वो विजिट करे पहले, हमारे को जान ले, परख ले, पर्सनली आके मिलो आके भाई, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन जान ले वहाँ पर, और उसके बाद में बकरे रखे, वरना आपको ब्लेम करेंगे। नहीं नहीं फ्रेंड्स, देखो आके मिलो आरके भाई से पर्सनली, इनसे आपकी जो भी क्वेरीज इनसे पूछो, जो भी डाउट है सारी चीजें एकदम खुल के बताते हैं भाई, है ना। उसके बाद ही आप डिसाइड करो अपना डिसीजन, ठीक है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।